अभी तक आपने पुरुषों की ही फांसी सुनी होगी, लेकिन अब हाल ही में अदालत ने एक ऐसा निर्णय दिया है जो इतिहास में एक अध्याय लिखने वाला है। नमस्कार, मैं हूँ राजेश और आप देख रहे हैं ग्रेनो न्यूज। 150 साल पहले बने फांसी घर में अभी तक आजाद भारत में किसी महिला को फांसी नहीं हुई थी। चलिए आइए जानते हैं कि क्या है पूरी कहानी। कुदरत का करिश्मा कहें या करने का फल, जिस शबनम ने प्रेमी के साथ जीने मरने की कस्में खाकर पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया था, उसी शबनम को अब अलग जेल में फांसी दी जाएगी और उसके पति को अलग जेल में, क्योंकि महिला फांसी का स्थान सिर्फ मथुरा जेल में है और ये दोनों मेरठ जेल में सजा काट रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले से हसनपुर क्षेत्र के गांव बावनखेड़ी में रहने वाले शिक्षक शौकत अली की इकलौती बेटी शबनम ने 14 अप्रैल 2008 की रात को प्रेमी के साथ मिलकर जो खूनी खेल खेला था, उससे पूरा देश हिल गया था। शबनम और सलीम के बेमेल इश्क की खूनी दास्तान करीब 13 साल बाद फांसी के नजदीक पहुंचती दिख रही है। प्यार में अंधी बेटी ने माता पिता और 10 माह के मासूम भतीजे समेत परिवार के 7 लोगों को कुल्हाड़ी से गला काटकर मौत की नींद सुला दिया था। सुप्रीम कोर्ट से पुनर्विचार याचिका खारिज होने के बाद अब शबनम की फांसी की सजा को राष्ट्रपति ने भी बरकरार रखा है। ऐसे में अब उसका फांसी पर लटकना तय हो गया है। मथुरा जेल में महिला फांसी घर में शबनम की फांसी की तैयारी भी शुरू हो गई है। आपको बताते चलें कि मथुरा जेल में 150 साल पहले महिला फांसी घर बनाया गया था, लेकिन आज़ादी के बाद से अब तक किसी भी महिला को फांसी की सजा नहीं दी गई। वरिष्ठ जेल अधीक्षक शैलेंद्र कुमार मैत्रे ने बताया कि अभी फांसी की तारीख तय नहीं है, लेकिन हमने तैयारी शुरू कर दी। डेथ वारंट जारी होते ही शबनम को फांसी दे दी जाएगी। क्या कारण था कि शबनम 7 लोगों की निर्मम हत्या की दोषी बन गई? आपको बताते चलें कि इसके पीछे दोनों का प्यार था और था अलग बिरादरी का होना। शिक्षक शौकत अली के परिवार में पत्नी हाशमी, बेटा अनीश और राशिद अंजुम, बेटी शबनम व 10 महीने का मासूम पोता अर्श थे। शौकत अली ने इकलौती बेटी शबनम को बड़े लाड प्यार से पाला था। इतना ही नहीं, बेहतर तालीम दिलवाई। एमए पास करने के बाद शबनम शिक्षा मित्र भी हो गई। लेकिन इसी दौरान शबनम का प्रेम प्रसंग गांव के ही 8वीं पास युवक सलीम से शुरू हो गया। दोनों प्यार में ऐसे डूबे कि उन्हें न घर की परवाह थी और न समाज की। दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन शबनम सैफी तो सलीम पठान बिरादरी से था। लिहाजा शबनम के परिवार को यह बेमेल इश्क मंजूर नहीं था, लेकिन शबनम सलीम से दूर नहीं जाना चाहती थी और यही कारण रहा कि 7 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई। अब शबनम को मथुरा स्थित जेल में फांसी दी जाएगी। इसके लिए पवन जल्लाद ने मथुरा जाकर फांसी स्थल का जायजा भी ले लिया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।